वेलकम बैक टू माय चैनल फूड क्राफ्ट और मैं हूं सोनिया शर्मा। खीर, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज की हमारी रेसिपी है शाही खीर। आप में से कुछ लोग तो खीर बहुत अच्छी बनाते होंगे, बट आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी खीर और बेहतर बनेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो आइए शाही खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से काजू और थोड़े से ही बादाम। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप इसके बिना भी खीर को बना सकते हैं। मेरे बेटे को खीर में ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखी है, तो आप इसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 5 से 6 इलायची। इलायची बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये खीर को अच्छा सा फ्लेवर और फ्रेग्रेंस देगी, इसको स्किप ना करें। आज हम खीर बनाएंगे कंडेंस मिल्क के साथ, आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लगभग 300 ग्राम कंडेंस मिल्क। अगर आप कंडेंस मिल्क ना लेना चाहें तो इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं, लगभग 200 ग्राम या फिर अपने स्वाद के अनुसार। जैसे कि हम 2 लीटर दूध की खीर बना रहे हैं तो उसके लिए लिया है मैंने 100 ग्राम चावल। चावल यहाँ पे लिया है मैंने बासमती का टुकड़ा, खीर बनाने के लिए यही सबसे बेस्ट होता है। अगर आप खीर थोड़ी कम बना रहे हैं तो उसी हिसाब से चावल की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, जैसे कि 1 लीटर दूध में 50 ग्राम तक चावल, लगभग 1 मुट्ठी। अब इन चावलों को अच्छे से वॉश करके भिगो के रख देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। तो आइए जब तक चावल सॉक हो रहे हैं तो हम अपनी खीर के लिए दूध को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 लीटर फुल क्रीम दूध। तो मैं सजेस्ट करूँगी जब भी आप खीर बनाएं फुल क्रीम दूध की ही बनाएं। जिसको उबालने के लिए ली है मैंने एक बड़ी कढ़ाई, जिसमें दूध डालने के बाद लगभग इतना स्पेस बच गया है। तो आप भी इतना बड़ा बर्तन लें कि दूध डालने के बाद थोड़ी सी जगह बच जाए। तो आइए जब तक दूध उबलता है तब तक हम अपनी इलायची का पाउडर तैयार कर लेते हैं। खीर को बनने में आराम से 30 से 40 मिनट तक लग जाएंगे और इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो लीजिए इलायची का पाउडर तैयार है। ये जो इलायची के छिलके बच गए हैं इनको आप फेंकिएगा नहीं, आप इन्हें चाय की पत्ती के डब्बे में डाल दें जो कि आपकी चाय को एक अच्छा सा फ्लेवर देगा। जैसे ही दूध थोड़ा सा गर्म हो उसमें थोड़ा सा दूध निकालकर 10 से 12 केसर की कलियां भिगोकर रख दें जो कि हम बाद में यूज करेंगे। अब दूध बॉईल होने लगा है, इसके ऊपर जो मलाई आ रही है आप उसको दूध में ही मिक्स कर दें। और जो चावल हमने भिगो के रखे थे उसे अब दूध में डाल दें। चावल को दूध में डालते ही उसको अच्छे से मिक्स करें ताकि चावल की गांठें ना पड़े। अक्सर लोग चावल डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स नहीं करते जिससे कि चावल की गांठें पड़ जाती हैं और सारा खीर का मजा खराब हो जाता है। तो बस अब हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है। अब इसको 1 से 2 मिनट के अंतराल में चलाते रहेंगे ताकि दूध तले से ना लगे, और गैस की फ्लेम हमें इतनी रखनी है कि दूध में हल्के हल्के से बॉयल आए, इस तरह से। तो देखिए जब चावल दूध में इस तरह से घुल मिल जाए तो इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर और अपना केसर वाला दूध। इनको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से वही प्रोसेस करेंगे इसको बीच बीच में चलाने का। तो केसर डालने के बाद आप देख सकते हैं कि खीर का कलर कितना अच्छा हो गया है। जब चावल और दूध
मिक्स होकर इस कंसिस्टेंसी पे आ जाएं, तो उसमें हम डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। मैंने ड्राई फ्रूट को इस तरह से लॉन्ग पीसेस में काटा है, आप चाहें तो उनको दरदरा कूट कर भी डाल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सारे ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी इनको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि किशमिश की भी गांठें पड़ जाती हैं। तो देखिए, अभी से ही हमारी खीर कितनी क्रीमी और डिलीशियस लग रही है। खीर जितनी क्रीमी होगी, खाने वाले को उतना ही मजा आएगा, और अगर आप खीर को ठंडा करके खाएंगे तो ये रबड़ी से कम नहीं लगेगी। और बस इसको 3 से 4 मिनट के लिए और लो फ्लेम पे पकने दें। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे कंडेंस मिल्क या चीनी। मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क 300 ग्राम लिया है। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं, लगभग 400 ग्राम तक। अगर आप चीनी यूज़ कर रहे हैं तो 200 ग्राम तक आप इसमें चीनी डालें। खीर बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी कंडेंस मिल्क या चीनी डाल रहे हैं वो सबसे एंड में ही डालें। खीर को हमें इतना ही पकाना है, क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। खीर को 1 से 2 मिनट पकाने के बाद उस पे इस तरह से मलाई आ जाएगी, तो आपकी खीर सर्व करने के लिए तैयार है। तो अब कर देंगे फ्लेम को ऑफ। तो लीजिए, हमारी शाही मलाईदार खीर बनकर तैयार है। अब या तो इसको गरम गरम परोसें या फिर ठंडा करके खाएं। और लास्ट में एक रिफ्रेशिंग सी टिप, खीर को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें डाल देंगे 2 से 4 बूंदे केवड़ा एसेंस की। ये खीर को बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर देगा। वैसे तो ये ऑप्शनल है, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो लीजिए, आपकी मलाईदार शाही खीर बनकर तैयार है। तो एंड में सर्व करने से पहले गार्निश कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट से। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी, और आप इसे घर में ट्राई जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि खीर कैसी बनी। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।